हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष और आपको एक धमाकेदार न्यूज देने के लिए आ गई हूं। और क्या बताऊं यार, सुन सुन कर ना बड़ी मतलब सोच सोच कर सुनकर नहीं सोच सोच कर ही बड़ी हैप्पीनेस हो रही है मेरी लाइफ में। अभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हाल ही में ना कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं जिसमें नचिकेत के पिक्चर्स हैं। इंटरनेशनल 12 से निकला हुआ एक और बड़ा फेस है एंड आई फाइंड एम हीरो लाइक पर्सन। ओके, लुक्स गुड ऑन कैमरा। सो मुझे लगता है नचिकेत, तुम्हें एक्टिंग भी करनी चाहिए बहुत जल्दी। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट, नचिकेत की तरफ से कुछ एक अपडेट्स आए हैं। कुछ न्यू कमिंग अप आया है, कुछ उनके गाने के बारे में डिटेल्स आई हैं। सोचने में आता है ना कि पवनदीप ने अपने बैंड मेंबर्स को शेयर क्यों किया, तो इसलिए किया क्योंकि दोस्ती है, मतलब फाइन दे आर फ्रेंड्स, तो शेयर कर सकते हैं यार। एंड एट द सेम टाइम ये सारे ही कलाकार प्रोफेशनल भी हैं। एक जब ऐसा जनरली मैंने भी देखा है कि जब एक शोज होते हैं, किसी ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, तब तो उस व्यक्ति के साथ, उस ग्रुप के साथ ही परफॉर्म करते ही हैं। उसके अलावा भी वो दूसरे कलाकारों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं यार, कलाकार हैं, कमाना पड़ता है। सो इसलिए यू कैन सी इन लोगों का कहीं शो है, उसके लिए भी वो लोग जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट है भाई नचिकेत तुमको, और साहिल और पारस यार, इनके साथ भी बड़ी अच्छी तुम्हारी ट्यूनिंग हो जाए, मैं तो यही सोचकर चलती हूँ। अब वो न्यूज बताने जाती हूँ जिसे सोच सोच के मैं बड़ी हैप्पी हो रही हूँ। ओके, इंटरनेशनल 12 तो हो गया, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, अब तो 15 की तैयारियां हैं। जब वो आएगा तो लीजिए भाई, उसकी भी अपडेट्स आपके सामने आ जाएंगी, जितना ला सकती हूँ, जो जो कंफर्म होगा वो सब बताऊंगी। लेकिन हाल फिलहाल आपको नहीं लगता आप इंटरनेशनल 12 को अभी भी मिस करते हैं? मैं तो बहुत मिस करती हूँ। आज सुबह ही मैं कुछ काम कर रही थी ना, ऐसा चलो यार गाने लगाओ इंडियन आइडल वाले और काम हो जाएगा शुरू मेरा, तो वैसे गाने सुनते सुनते मैं काम कर रही थी। आई वॉज रियली मिसिंग, और ऐसे में खबर मेरे सामने आ जाती है, पवनदीप, अरुणिता, निहाल, नचिकेत एंड साइली, इन सभी का मुंबई में एक जगह पर शो है। दे आर गोइंग लाइव फ्रॉम दैट शो, लाइव शो है। इतने सालों बाद एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल 12 रीलोडेड, ऐसा करके भी कुछ बना दो स्टोरी, तो वही तो बनाने के लिए आई हूं। तो ये जो है, ये 24 तारीख का जो शो है, ये मुंबई में ही होने वाला है। और मुंबई के इस शो के बारे में इतना मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इट्स अ प्राइवेट शो, अगर इनमें से कहीं कोई लाइव चला जाता है तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम बहुत बल्ले बल्ले भी कहेंगे और बल्ले बल्ले करेंगे भी। लेकिन फिलहाल के लिए ये मानकर चलिए प्राइवेट शो है, तो शायद चॉकलेट पाई और ये लोग लाइव नहीं भी जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, पब्लिक शो नहीं है तो पब्लिक नहीं जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल इस बात की खुशी मनाइए कि ये एक बार फिर से साथ में होंगे। अभी कितना कम होता है और कितना सुंदर लगता है कि जहां से जिन लोगों के साथ सफर शुरू किया था, हम एक बार फिर से उसी मकाम पर, उसी जगह पर, उसी मंच पर एक बार फिर से परफॉर्म करने वाले हैं, पवन, अरुणिता, निहाल, नचिकेत एंड साइली। और हाँ, इंटरनेशनल 12 वाले वैसे मेरे दिल के थोड़े एक्स्ट्रा करीब हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे अच्छे ही लगते हैं। तो मैंने आपका दिन बना दिया ना, अब जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।